नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात इनबीसीएन की पेशकश कर पर। देश की स्थिति, पूरे विश्व की स्थिति इस वक्त बहुत नाजुक में है। बहुत संवेदनशील दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। जहां एक और तकलीफों का दौर है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन तकलीफों से निजात पाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो कई जगह ऐसे हैं जहां पे लोगों को अनाज वगैरह की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि इसके तरफ भी ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। मैं बात कर रहा हूं एडिक्शन की। आज देश की स्थिति ऐसी है कि कई जो एडिक्शंस में, जो गर्त में डूबे हुए लोग हैं, उनको शराब नहीं मिल रही, इनको कई ऐसी बुरी आदतें हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानियों का दौर गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कर्तव्य बनता है किसी ना किसी का कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे बीच मौजूद है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मेहमान अर्चना भारती जी का, आपका स्वागत करता हूँ। और अभय भारती जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अर्चना भारती जी जो है वो ग्रेस डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेटर सेंटर बुटी बोरी की प्रेसिडेंट है, और अभय भारती जी जो एक्टिव वॉलेंटियर है, और ये सारा सिस्टम जो जुड़ा है आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है। और ये लोग अपने इस COVID-19 से, जो इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इनके जीवनी में भी ये कोशिश करते हैं कि जो एडिक्शंस में की गर्त में डूबे हुए जो लोग हैं, उनकी यथासंभव वो मदद कर सके, उनको इस गर्त से बाहर निकाल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग इन तक कैसे पहुंचे। इस कड़ी को जोड़ने के लिए छोटा सा प्रयास इनबीसीएन के माध्यम से हम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अर्चना जी, जैसे कि मैंने बात की शुरुआत की थी, ये सबसे बड़ी अहम कड़ी होती है कि हम जो एडिक्शन है, जो आज की स्थिति बनी है, इस स्थिति से ये मैचअप कैसे हो, आपका व्यू जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एडिक्शन जो है ये एक डिसीज है, बीमारी है, है ना, और हर बीमारी का इलाज संभव है। तो जब हम इसको जान लेते हैं कि एक बीमारी है, तो हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। यस, तो इस पर ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। आज जो देश में स्थिति है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है वो देखा जाए तो जहाँ असुविधाजनक है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन एक तरह से वो अच्छा भी है क्योंकि ये समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी यही है, वो यह है कि जो व्यसन में है, एडिक्शन में है, उन लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं उनको जो शायद शराब का एडिक्शन हो, तो शराब नहीं मिल रही है, गांजा चरस का, अफीम का अगर उसको शौक है तो उसको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो या फिर डिप्रेशन में जा रहा है, या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है सोसाइटी में। हमारा जो सर्वे हुआ है उसमें तो तेलंगाना, हैदराबाद साइड से जो पता चला है कि बहुत सारे लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। तो जब ये बात, जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से हूँ एंड आई एम ए हैप्पीनेस प्रोग्राम ट्रेनर एंड डी एडिक्शन प्रोग्राम ट्रेनर इन आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो फाउंडर है वो है पूज्यनीय शेषी रविशंकर जी, इनको सारा देश, सारा विश्व जानता है। तो फिर ऐसा सबके, जब ऐसा सब पूरा पता चला डिटेल, तो फिर ये सोचा गया, इस बात पर अमल किया गया कि क्यों ना ऐसा कुछ सोसाइटी के लिए हम कर सके जिससे जो व्यसन से, एडिक्शन से ग्रसित लोग हैं उनके लिए हम कुछ मदद कर सके। उसी को ध्यान में रखकर ये हेल्पलाइन आई है सामने। इसमें आप जो भी इस तकलीफ से पीड़ित हैं वो लोग उस नंबर पर ज़रूर कॉल करें और वो अपने समस्या का समाधान पाएंगे इससे। आपके बातों से जो पता चला कि एक इनिशिएटिव जो आपने लिया है बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, लेकिन ये आदतें इतनी तादाद में बढ़ती क्यों हैं? मतलब ये आपने जैसे कहा कि ये बीमारी है, तो ये बीमारी बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, ये कोई एक कारण नहीं है बढ़ने का, इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। जैसे जो हम लोग कोर्सेज अभी लेते हैं, जो शिविर लेते हैं, उस पर जो ध्यान में आया है कि पहले तो ये शौकिया तौर पर लोग इसको स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में, है ना, फिर ये धीरे धीरे ओकेजनली होते जाता है, लाइक तुम्हारा बर्थडे, मेरा बर्थडे, फिर धीरे 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 इसका रेशो बढ़ते जाता है, मतलब फिर बहाने ढूंढे जाते हैं, और फिर ये बहाना ढूंढते जाते हैं, जैसे है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, राइट, तो फिर ये वैसे ही उनके लाइफ में, रूटीन में शामिल हो जाता है। लेकिन उनको इसका फिर पता कब चलता है? जब ये एक्सट्रीम
चला जाता है, और ये जब एडिक्शन के चलते इनका फिर पूरा लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाता है ना, सामाजिक शारीरिक मानसिक स्तर पर ये इनको असर करना शुरू कर देता है। और इससे एक चीज और भी है कि एक भरा पूरा परिवार भी जो है वो पूरा भरा पूरा परिवार भी कहीं ना कहीं इन बुरी आदतों की वजह से टूट सकता है। हाँ, परिवार को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये बात तो है। अर्चना जी, एक एडिक्शन की शराब या कोई भी उसकी आदत छुड़ाना, इसके लिए एक अंदर से एक ताकत आनी चाहिए, ठीक है, तो ये ताकत आप वो कैसे लाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? ये तो सही है, जैसे हमारे पास में पेरेंट्स भी आते हैं कि हमारे बेटे को ये एडिक्शन है ना, उसको इससे बाहर निकलना है, बट इन सम केसेस क्या होता है कि पेरेंट्स आर रेडी, बट वो जो कैंडिडेट है, जो उनका बेटा है या हस्बैंड है, वो रेडी नहीं रहता है, तैयार नहीं होता है जी। तो ये बहुत उनके लिए दुविधा भरी स्थिति होती है कि वो इसको निकालना चाहते हैं लेकिन वो स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसके खुद की मन की तैयारी, जो इस एडिक्शन में ग्रसित है, डूबा हुआ है, यदि उसको खुद से तैयारी है निकलने की, तो वो निकल के ही रहेगा। मतलब उसको कोई भी गाइड नहीं कर सकता या कोई उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुझे तो आपको इस आदतों से बाहर जाना है, ये अंदर से ही एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं गलत है। अभय जी, आप मैडम का साथ देते हैं और आपका भी एक तजुर्बा रहा है, कोई ऐसा तजुर्बा या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि जो दर्शकों को झकझोर कर रख दे, या आपकी कैसे जर्नी रही है ये इन सब चीजों को करते हुए? देखिए, क्या होता है कि जैसे अभी मैडम ने बताया कि भाई एकदम बिगिनिंग स्लो, धीरे चालू होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जब फ्रेंड सर्कल में या किसी में है, जैसे कोर्स के सेशन में हमको जो महसूस हुआ है कि बच्चों ने जो हमको फीडबैक दिए कि भाई आपको कैसी आदत लगी है, तो वो कोर्स में हमको ये महसूस हुआ है कि कोई ना कोई उनको प्रोत्साहित करता कि भाई ये फैशन हो गया है, आज का ट्रेंड है, आपको लेना चाहिए, तो ऐसा करके बच्चे लोग उसमें एडिक्शन में स्टेटस सिंबल के जैसे बिल्कुल हो गया। तो उसमें क्या है कि बच्चों को इनिशियली मालूम नहीं पड़ता कि हम लोग इसके बीमारी होते जा रही है, धीरे धीरे इतना एक्सट्रीम लेवल हो जाता है कि फिर वो एडिक्टेड हो जाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं जो छोटी सी शुरुआत हुई थी वो अब एक्सट्रीम लेवल पे चले जाती है। एक अहम सवाल मैं अर्चना जी आपसे पूछना चाहूंगा, आमतौर पर जब एडिक्शन की बात करते हैं या शराब की बात करते हैं, गांजा चरस की या किसी और भी सिगरेट वगैरह की भी अगर हम बात करें, तो खास करके नजरों के सामने पुरुष वर्ग आ जाता है, आपका अनुभव क्या है कि क्या इसमें महिलाएं भी का भी कुछ वर्ग होता है या क्या परसेंटेज है? हाँ, ये आज बहुत आपने अहम सवाल किया है। अभी ऐसा नहीं रह गया कि सिर्फ ये पुरुष तक ही सीमित है ना, महिलाएं नहीं, पुरुष, लेकिन पुरुष वर्ग बदनाम काफी है, अब ऐसा मेरे से इत्तेफाक रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी जो हम लोग केस हैंडल कर रहे हैं उसमें लेडीज का भी एक बड़ा रेशो हमारे सामने आ रहा है, और ये दुख की बात है कि जिस तरह के हम संस्कारों में ढले थे और जैसा हमारा माहौल था पहले का, उसके हिसाब से आज की जनरेशन नहीं वैसा फॉलो कर पा रही है, या स्टूडेंट्स ट्रेंड बोलो, फैशन बोलो, या कोई ऐसा टेंशन की वजह से उन्होंने इसका दूसरा ऑप्शन ले लिया है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मैं ले लूँगा, इससे मुझे रिलीफ मिलेगा, कुछ समय के लिए ज़रूर मिलता है, ऐसा लगता है कि ये हम नशे से हमको कुछ आराम मिल रहा है, खुश मिल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। मैं एक कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ये एक आमतौर पर बात होती है कि चार दोस्त अगर शराब पीटने बैठे हैं और पूरी उनकी शराब की बोतलें खाली होने के बावजूद भी अगर आप उनको पूछो कि यार क्यों पी रहा है, तो वो जवाब देगा यार बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है, तो पूरी कहानी बयां कर लेगा। तो आपने इतनी शराब या इतना नशा करने के बावजूद भी अगर आपको उस वक्त भी याद है कि आपने शराब इसलिए पी है कि आपको टेंशन, तो फिर वो शराब पीने से फायदा क्या है? देखिए, वो नॉलेज में नहीं है ना जी, नॉलेज में नहीं है इसलिए तो ये हरकत कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इमैच्योर या क्या कहते हैं कि हम बस वो पीने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं, और जो हमारी मुसीबतों का को उसके मुसीबतों को आड़ लेकर हम लोग सिर्फ उस व्यसन को हमारे अंदर में ढाल रहे हैं। आप कोर्सेस की बात कर रही थी, अब जैसे कि जिस जैसे केस होगी वैसा आपका कोर्स होगा, जहां तक मैं समझता हूँ, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए ना। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सभी एज ग्रुप के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, 7 साल के बच्चे से लेकर आप कोई भी एज के उसको कर सकते हैं, है ना, तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। अभी ये एडिक्शन को लेकर भी कोर्स है, इट इज़ कॉल्ड प्राण प्रोग्राम फॉर रिलीज फ्रॉम एडिक्शंस नेचुरली,
ये एक नैसर्गिक पद्धति से ये इस पर डिज़ाइन हुआ हुआ प्रोग्राम है, ये जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम, ध्यान, साधना, नॉलेज, ज्ञान के द्वारा जो एडिक्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। और ये ज़्यादातर पुणे में भी होते हैं, हमारे नागपुर में भी आजकल प्रोग्राम हो रहे हैं। इससे बहुत अच्छा उनको रिलीफ तो मिलता है, जैसे उनका एंजाइटी है, तनाव, चिंता है ना, इससे उनको बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। वो दौर जब इंसान ठान ले कि मुझे अब इस एडिक्शन से बाहर निकलना है, और जब उसका कोर्स थ्रू या आपका एक ट्रीटमेंट शुरू होता है, ये दौर कितना मुश्किल भरा होता है उसके लिए और हाँ, आपके लिए भी? हाँ, मुश्किल भरा तो होता है, क्योंकि उनको इतने सालों का हैबिट रहता है, है ना। हमारे पास जो अभी तक के जो मैंने कोर्सेज लिए हैं उससे बाद ध्यान में आई है कि ये इनका 1 या 2 महीने का एडिक्शन नहीं है, है ना। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, ऐसा इन लोग का ड्यूरेशन रहता है। तो सडन उनको जब ये 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज की नहीं नहीं मिलता है तो वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, राइट। तो हम लोग डॉक्टर की टीम को भी लेकर उस पर पूरा वर्क होता है, अच्छे से होता है। अभय सर, अभी COVID-19 से पूरी दुनिया ग्रसित है, और कई लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं कि COVID-19 की वजह से जो दारूबंदी है या नशाखोरी बंद है, तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, मतलब लोगों की दारू छूट जाएगी। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ऐसा नहीं होगा, ये कुछ समय के लिए बंद है, लेकिन जब ये दौर खत्म हो जाएगा तो उसका प्रमाण जो है कई गुना बढ़ सकता है। या फिर जैसे कि मैडम ने कहा था, अर्चना जी ने, कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं या ऐसी कई घटनाएं बढ़ सकती हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो व्यसन से जो दूर लेके जाने की जो प्रक्रिया है, चाहे आप उसको उपरायण कोर्स बोलिए या कुछ भी बोलिए, जब तक आप इसमें मन में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा उन लोगों को, आप ठान नहीं लेते अपने मन ही मन, तब तक वो परिवर्तन हमको मेडिटेशन से या प्राणायाम, योगा वगैरह सब करा के उनका एक मन परिवर्तन एक ऐसा एटमोसफेयर में बनाएंगे कि जिसमें वो चाहेगा कि भाई नहीं, हम लोगों को इसको व्यसन से दूर, ये बीमारी से मुझे दूर जाना है। तो इस तरह से हम लोग जो मेडिटेशन वगैरह कराते हैं तो वो एक स्थिति वैसे पहले निर्माण करते कि उस हिसाब से कि लाए कि उसका मन ऐसा बने कि नहीं यार, मेरे से आज तक जो गलतियाँ हो गई है इससे मैंने बहुत लोगों को तकलीफ भी दी है, रिलेशंस खराब हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। उसके मन में कहीं ना कहीं वो खेद भावना का डेवलप होना भी बहुत जरूरी है। जब उसके वो हर वक्त वो भावना अगर उसके मन को कचोटेगी, जिसके लिए मेडिटेशन इज द ग्रेटेस्ट वे, करेक्ट करके हम लोग ये जो हेल्पलाइन जो अभी है, कोई पर्सनली तो जाएगा नहीं, ऑल ओवर इंडिया से कॉल हमारे पास जो आएंगे जी, तो हेल्पलाइन नंबर जो आर्ट ऑफ लिविंग से मिला है इंटरनेशनल आश्रम से जी, तो हम उनको बेसिकली टेलीफोनिकली पहले उसको धीरे धीरे गाइड करते हैं, उसको एक मेंटर देते हैं, उसको गाइड करके धीरे धीरे हम लोग उसको प्रोग्राम्स की तरफ लाते हैं कि भाई उसका मन परिवर्तन कैसा हो। जब तक मन की स्थिति उसकी स्थिर नहीं होगी तब तक वो एडिक्शन से वो बाहर नहीं आएगा। पहले तो उसके एक उसके अंदर मन की इच्छा होगी, बिल्कुल या मुझे इससे दूर जाना है, बिल्कुल उस इच्छा को बनाए रखना, ये फिर हमारा काम। यस, उसको जब तक गिल्ट नहीं आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही बुरा है और ये हमारे पूरे फैमिली के लिए या पूरा सोशल लाइफ के लिए खराब है, तब तक वो उसमें से नहीं जाए। आप चाहे कितना भी दूर उनको बंद करके रखिए, महीना दिन 2 महीना, उससे नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। अर्चना जी, हम कह रहे थे कि ये एडिक्शन जो है ये एक बीमारी है, तो इसका इलाज ओनली मेडिटेशन या मेडिटेशन प्लस मेडिकेशन? हाँ, दोनों ही है, इनके कॉम्बिनेशन से बना है। देखिए, जब हमारे पास में यहाँ पर ये लोग आते हैं तो हम इनका प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं जी, राइट। उसके बाद में फ्री फैमिली सेशंस भी होते हैं अपने। नो डाउट कि ये कोर्स करने के बाद में उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बट व्हाट अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, है ना, उनमें भी वो चेंज आना जरूरी है। Exactly. कहीं ना कहीं एक एडिक्ट घर में अकेला पड़ जाता है ना, लोनलीनेस फील करता है, और तो उसको फैमिली सेशन देकर उनके फैमिली वालों को भी हम ट्रेंड करते हैं कि आपने इनको कैसे हैंडल करना है ना, पूरा प्रॉपर गाइडलाइन उनको देकर वो एक उनको एक सपोर्टिव सिस्टम बनकर काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की भी टीम रहती है, उनसे भी उनका चेकअप होता है ना, ओवरऑल हर तरह को ध्यान में रखकर इस पर वर्क होता है।
चूंकि हमारे पास में समय की भी कमी रहती है चैनल के लिए, तो चलते चलते आप क्या मतलब टेक होम संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, खास करके उन लोगों को, उन परिवारों को जिन परिवारों में एडिक्शंस हैं या ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मैं इस एडिक्शन से बाहर आऊँ, एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जीऊँ। हाँ, अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, स्टेज है, उस पर मैं सभी परिवार वालों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी, जहाँ भी रहते हैं, जिस भी सिटी में है, जो भी एरिया में है, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, साइकेट्रिक के पास जाएं, उनको दिखवाएं और वो जो भी मेडिसिन देते हैं वो लेकर उनको थोड़ा सा कूल डाउन करें। इससे आपके घर के वातावरण में भी बहुत खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, साथ में जो एडिक्ट है उसको भी शांत लगेगा। दर्शकों से मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि स्क्रीन पर आपके हेल्पलाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा। आपके परिवार में, आपके संबंध में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर ऐसे व्यक्ति है जिनको इसकी ज़रूरत है, तो वह कृपा करके इन नंबर का ज़रूर ध्यान रखें। इस वक्त जो हमारा देश, पूरा विश्व जो है COVID-19 कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, इस वक्त जहां आपको ज़रूरतमंद सभी सामग्रियों का लगभग सारी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, उसी प्रकार इस एडिक्शन या ऐसे परिवार के सदस्य को हेल्प करने के लिए करना भी ये हमारा कर्तव्य है। और एक जाते जाते मैं संदेश आप सभी को देना चाहूँगा, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी देश सेवा ये होगी कि हम अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ताकि पूरे देश का स्वस्थ अच्छा रह सके। ये हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी आज के दौर में बनती है। अपना ख्याल रखें और ताज़ा स्थिति के लिए आप हमारे साथ में इनबीसीएन पर ज़रूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपका भी।